हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो आज के इस वीडियो में खास क्या है, क्या नया सिखाने वाला हूं, आइए चलिए आपको बताता हूं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना है तो यहां देखिए एक्सेस दिया हुआ है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहां से चलना है ब्लेंड डेटाबेस पर, ठीक है। हमने बहुत सारे बटन्स बनाए हैं लेकिन एक बटन हमने नहीं बनाया अब तक, उसी के बारे में बात करेंगे। और वो बटन क्या है अभी आपको पता चलेगा। यहां पर आते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं डुप्लीकेट, यानी अभी हम डुप्लीकेट का बटन बना रहे हैं। डुप्लीकेट का बटन कैसे बनेगा, इजी है। जैसे यहां पर लिख देता हूं आईडी, ऊपर दी हुई है इसे मैंने प्राइमरी की रखा है, और यहां पर लिख देता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अगर किसी चीज का डुप्लीकेट आपको बनाना हो तो डुप्लीकेट का बटन बना सकते हैं, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। तो यहां पर इसको मैंने बना दिया। अब यहां पर हमें तमाम वो रिकॉर्ड्स फिल करने होंगे। जैसे मान लीजिए पहले स्टूडेंट का नाम है राम, ठीक है। आपका जो भी रिलेटेड रिकॉर्ड हो, प्रोडक्ट का नाम हो तो प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं, यहाँ श्याम हो गया, फिर यहाँ सचिन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मनोज लिख देते हैं एम ए एन ओ जे, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं शिवम एस एच आई वी ए एम, ये लिख दिया। तो कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड, हमने 5 रिकॉर्ड फिल कर दिए हैं। अब इसको सेव कर लेना है, तो सेव कर लिया और इसको क्लोज कर दीजिए। इसके लिए एक फॉर्म बना लीजिए, यहाँ से ब्लैंक फॉर्म पे चलते हैं। ब्लैंक फॉर्म पे जाकर के यहाँ से नजर आएगी सूटेबल, तो जो जो आपको चाहिए वो ले लीजिए। तो हमको खाली नेम ऑफ स्टूडेंट और आईडी चाहिए, दोनों ले लेते हैं। दोनों ही ले लिया है हमने, देख सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं पॉपअप को ऑन करना तो यहाँ से जाकर के फॉर्म पे चले जाइए और पॉपअप को भी ऑन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। देख सकते हैं ये हो गया पॉपअप, तो पॉपअप ऑन होने पे ये इस तरीके से कुछ नजर आएगा आपको, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं या हमें क्लोज तो करना नहीं है, इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने पे ये ऐसे नजर आएगा, ठीक है। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं, सेव करते हैं। तो ये फॉर्म वन के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। अब इसको हमें डिजाइन बुक लेना है, ये डिजाइन बुक ले लेते हैं। जैसे डिजाइन बुक लेंगे तो यहाँ पर हमने पॉपअप को ऑन कर रखा है, चलिए फिलहाल ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये ऑफ कर दिया, आप यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से हमें दिखाई पड़ रहा है। हम यहाँ पर एक बटन बनाएंगे जिसका नाम है डुप्लीकेट रिकॉर्ड। तो यहाँ पर जाइए बटन पर और यहाँ पर इसको ड्रैग करवा दीजिए। ये विंडो ओपन होती है कमांड विजार्ड की, ठीक है। अब जैसे ही कमांड विजार्ड की विंडो ओपन होगी, यहाँ पर रिकॉर्ड ऑपरेशन पे जाइएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा डुप्लीकेट रिकॉर्ड। ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड का क्या मतलब है, कैसे हम डुप्लीकेशन कर पाएंगे इसमें, समझते हैं अभी। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट रख देते हैं। ये टेक्स्ट रख दिया हमने यहाँ पर जाकर के, और ये कमांड इसको जैसे के तैसे रख देते हैं। यहाँ पर अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहे तो यहाँ से होम टैब पे जाके और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके का कलर एक आ गया है, इसको भी चाहे तो टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हैं आप। यहाँ पे जाकर के इसको इस तरीके से बदल दिया हमने। तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड का बटन है। अब अभी आईडी 1 राम की है, तो अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो आईडी 1 राम की डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर आईडी 6 हो गई, देख सकते हैं, लेकिन है ये राम ही, आईडी क्या हो गई, 6 हो गई। अब 6 हो गई तो क्या 6 के पहले जो आईडीज थी वो चली गई है, नहीं वो नहीं गई है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 5 है शिवम का, ये 4 है मनोज का, ये 3 है सचिन का, और ये 2 है श्याम का, और ये 1 है राम का। अगर आपको श्याम का डुप्लीकेशन करना है तो यहाँ डुप्लीकेट रिकॉर्ड पर क्लिक करिए, 7 श्याम का हो गया, ठीक है। देख सकते हैं जो आईडी नंबर 2 है वो श्याम का था, लेकिन अभी आईडी नंबर 7 भी श्याम का हो गया, और 2 तो है ही है। देखिए 2 भी दिखा देता हूँ आपको, ये थोड़ा सा हमें बैक चलना होगा। ये देखिए, ये 2 श्याम का है ना, और यहाँ पर देखिए 7 भी श्याम का हो गया, यानी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आने लगे हैं, ठीक है। देख सकते हैं, ये राम का डुप्लीकेशन हमने किया था, अभी शिवम का डुप्लीकेशन करके दिखाता हूँ। ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर 8 हो गया है, देख सकते हैं। तो अगर आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड बनाना है तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड का बटन बना लीजिए और वहीं से आप डुप्लीकेशन करते चले जाइए, आसानी के साथ डुप्लीकेशन होता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।